नमस्कार, स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की एक और बड़ी जीत हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरअसल आदेश दिए हैं कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराया जाएगा। सर्वे में सिद्ध हुआ है कि विश्वेश्वर महादेव का ही शिवलिंग है, तो ज्ञानवापी परिसर पर हिंदू पक्ष की दावा और ज्यादा मजबूत हो सकता है। दरअसल मुस्लिम पक्ष इस सर्वे के खिलाफ था और उधर एएसआई में भी सर्वे के संबंध में रिपोर्ट देने में देरी कर रहा था। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई के अफसरों को जमकर लताड़ लगाई, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और कार्बन डेटिंग से शिवलिंग पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ये कहा गया। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अब 22 मई को वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज मामले को सुनवाई करेंगे। साइंटिफिक सर्वे कब होगा और कैसे ये डिस्ट्रिक्ट जज तय करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज ये आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर दिया गया है। वही कोर्ट में दरअसल एएसआई ने कहा कि बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए ये किया जा सकता है। साइंटिफिक सर्वे अब इस पूरे मसले को लेकर किया जाएगा और इस पर आपकी राय क्या है कि जिस तरीके से ज्ञानवापी जो मामला है पिछले कई महीनों से इसको लेकर लगातार तमाम तरह की आवाजें उठी थी, तमाम तरह के हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष इस पर सामने आए थे, लेकिन अब साइंटिफिक तरीके से सर्वे कराया जाएगा, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।